मेरठ पौड़ी हाईवे बनने के लिए एनएचआई बहुत दृढ़ से प्रयास कर रही है, उस पर काम भी चल रहा है, लेकिन अब मेरे एनएचआई ने गंगानगर और उसके आसपास के इलाकों में जो जिन्होंने मुआवजा ले लिया है लेकिन ज़मीन एनएचआई को नहीं दी है, उसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है और अभियान के तहत बुलडोजर चलाया जा रहा है। बुलडोजर कई बिल्डिंगों को और उनके गेट को और उनके तमाम अतिक्रमणों को ध्वस्त करता जा रहा है। NH 119 के चौड़ीकरण के लिए ये कार्रवाई करी जा रही है। इसमें अवार्ड हो चुका था, ADMLA साहब के द्वारा अवार्ड भी कर दिया गया था एंड सबको पैसा भी पहुंच चुका है। 95% लोगों को पैसा पहुंच चुका है, बट पोजेशन नहीं छोड़ा जा रहा था, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि अब इसको माईफोर्स कब्जा लेने का टाइम आ गया। कितनी इमारतें, अब नंबर तो मुझे नहीं पता है, बट हाँ ये स्ट्रेच 3 गाँवों को मिलाकर है, इंचौली, मुजफ्फरनगर, सैनी और सलारपुर जलालपुर, जहाँ हम खड़े हैं। मुआवजा नहीं मिला था, जिनका मुआवजा नहीं मिला उनसे पोजेशन नहीं ले रहे हैं। आपके पीछे ही ये स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम टच नहीं कर रहे हैं। और इसमें कई लोगों ने विरोध भी किया है और कुछ लोग अपने शिकायत दर्ज कराए, थाने भी पहुंचे हैं, लेकिन फिलहाल ये कार्रवाई चल रही है। एनएचआई के अधिकारी मौजूद हैं, तहसील के अधिकारी मौजूद हैं और इस कार्रवाई को अंजाम दिलवा रहे हैं। कैमरामैन किशन सुंदर साथ, ज्ञान प्रकाश, जनवाणी न्यूज़।